अमरोहा में शिक्षक विधायक चुनाव को लेकर अमरोहा ब्लॉक को मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां पर अमरोहा सदर तहसील के उपजिलाधिकारी व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शशांक चौधरी ने अमरोहा ब्लॉक का निरीक्षण किया और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को परखा। सारे मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जानकारी देते हुए कहा कि अमरोहा में शिक्षक विधायक चुनाव को लेकर प्रशासनिक और चुनाव आयोग द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसी के आधार पर चुनाव कराया जा रहा है। कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। हाथ सैनिटाइज कराकर चुनाव वोट डलवाया जा रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी कहा कि मतदान केंद्र पर मास्क की सुविधा उपलब्ध है। किसी व्यक्ति पर मास्क नहीं है तो उसको मास्क लगाकर ही मतदान कराया जा रहा है। जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उसका पूर्ण रूप से पालन कराने को लेकर प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मतदान केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद है, जहां पर मतदान करने वाले व्यक्तियों का टेम्परेचर चेक कराया जा रहा है और उसी के आधार पर मतदान कराया जा रहा है। जी सर, ये जो मतदान कराया जा रहा है किस तरह से कराया जा रहा है, किस तरह से नियमों को, कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है क्या? देखिए, जैसे अभी आयोग के निर्देश हैं उसी प्रकार से हैंड सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग गोले बनाए गए हैं। हर प्रकार का जो कोविड की गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। जो भी मतदाता आएंगे उनको मास्क पहनना अनिवार्य है। अगर वो पहन के आएंगे तो अच्छी बात है, अगर जिसके पास अगर मास्क नहीं भी है तो यहाँ मास्क उपलब्ध है, उनको दिया जाएगा और सैनिटाइज़र भी उपलब्ध है। तो पूरी तरीके से कोविड की गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। सर, सुरक्षा के दृष्टिगत क्या इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के लिए यहाँ पर पुलिस और जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की व्यवस्था की गई है। फोर्स का इंतज़ाम है और पूरी तरीके से सुरक्षित है। कोई इसमें इस तरीके की कोई समस्या के सामने